कौन पूछा कि बड़ू यूट्यूबर रियलिस्टिक खुद को कहलाते हो ना ভিডিও লা চাই আছো দিয়া ভাল ভাল ভিডিও বনাইছো অরে ধন্যবাদ কিবা যদি ইতো তেরা 18000 সাবস্ক্রাইবার হুয়া হে অর কিন্তু যে ডিম্পু বড়া তো এর নাম্বার 1 কপি মাস্টার হিসেবে পড় আচ্ছা নাই লাগা তো ডিসলাইক মারিয়ে অর হাই फ्रेंड्स वेलकम बैक टू YouTube चैनल ब्रेक बॉयस में स्वागत करते हैं आप सभी को। तो गाइस कैसे है आपकी जिंदगी, आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस आज के वीडियो कुछ रिमिक्स होने वाला है, मतलब कि आज के वीडियो रिमिक्स रोस्ट होने वाला है। तो देखते रहिए अंत तक क्या होता है और क्या है ना। तो गाइस आज बात करने वाले हैं एक असम की पागल रोस्टर की, मतलब खुद को कहलाता है सबसे बड़ा यूट्यूबर मतलब असम की। अच्छा तो गाइस देखते हैं वो क्या करता है। यही नहीं अभी और सुनिए, और जिसको पसंद नहीं है वीडियो तो यहीं पर स्किप कर सकते हैं, और जिसको पसंद है वो लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि और देख पाएंगे, मतलब कि आने वाले हर नई वीडियोस। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज बात करने वाले हैं रियलिस्टिक असम की, उसने रोस्ट किया है डिम्पू को। तो गाइस हम भी कर रहे हैं उसको, तो देखते हैं क्या बोला है वो। तो देखते रहिए अंत तक। ता কথা কই আছে ডিম্পু বড়া টু ইংল্যান্ড গন তয়ো বাবা তাজা কিও। আরে ভাই ডিম্পু বড়া ইংল্যান্ড কইছে মাল কামাই আছে না ইউটিউবার বড়া। তো দেখো গাইস ইনকি সোচ, আরে ইয়ে ভি তো মাল কামা রহা হে, ইয়ে কিয়া কর রহা হে ফির। अबे भुसड़ी के तेरे वीडियो देखने से भी तो एमबी खर्चा होता है, उसको कौन बोलेगा। ब्रेनी मानु नियम। अच्छा বেলেগত তো বেছি চাই থাকাত কই নিজৰ যেটো গুণ আছে সেই গুণটো নিজে অলপ চেষ্টা কৰক, কাৰণ সি ইউটিউব কৰছে আৰু আপুনি নিজৰ কাম বন বাদ দি পেলাই যে তাৰ ইউটিউবৰ ভিডিঅ' ব্লগ চাই এটো হলে নহব। জলি না তেৰি বি জলি না নিজৰ কামটো প্ৰথম, তাৰ পিছত যেতিয়া ফ্ৰী টাইম পায় তেতিয়া ডিম্পু ভিডিঅ' চাওক, তেতিয়া আমাৰ ভিডিঅ' চাওক, কিন্তু নিজৰ কাম। আবে চুতিয়া তোৰ ভিডিঅ' কোন চাইগা, কোন দেখেগা তোৰ ভিডিঅ়? হ তো দূসৰ কো নেগলেক্ট কৰতা হে, তো বহুত আচ্ছা কৰ ৰে সস্তা হে কিয়া খুদ কো। निकल लौड़े, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। गाइस आप लोगों को पता है मेरा असम के तीन लोग मेरा फेवरेट है, एक जुबिन गार्ग, डिम्पू बरुआ और बी बॉयस मतलब कि संजय बोरो। तो उनको कोई अगर मतलब गाली दे या फिर उनके बारे में कोई भला बुरा बोले तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो ये खुद को बहुत बड़ा यूट्यूबर समझता है, क्या समझता है ये खुद को? ये इंसान मतलब ये इंसान चैलेंज लिया है डिम्पू बरुआ से कि डिम्पू बरुआ से बहुत बड़ा यूट्यूबर बन के दिखाएगा। तो गाइस किसको सपोर्ट करेंगे आप, रियलिस्टिक असम या फिर डिम्पू बरुआ को? तो गाइस इसने बोला है कि डिम्पू कॉपी मास्टर है, कॉपी करता है। तो गाइस सुनिए, कॉपी करना पड़ता है क्योंकि जानकारी देने के लिए कॉपी करना पड़ता है किताबों से, गूगल से और कहीं कहीं से कॉपी करना पड़ता है, तभी जाके जानकारी मिलता है। तो इसलिए कॉपी करना पड़ता है बीच बीच में, तो हर वीडियो कॉपी नहीं होता है। कुछ भी बोलने से क्या होगा, कुछ भी बोलने से उसके बारे में कुछ जानना भी ज़रूरी है। तो भाई ये इतना दुश्मन क्यों है, मतलब कि डिम्पू बरुआ का ही मतलब वीडियो रोस्ट वीडियो उनका ही मिलेगा, सभी वीडियो देखो उनका ही मिलेगा, कोई अलग बंदा नहीं है, उनका ही ज़्यादातर है। कोई अलग भी है लेकिन मतलब क्या बोले, असम के लोग ऐसे हैं मतलब क्या बोलते जेलेस होते हैं, मतलब कि जलन होता है कोई किसी को मैंने मतलब कोई आगे चला जाए तो उनको कैसे नीचे उतारे ऐसे सोचते हैं लोग, मतलब ऐसे लोग बहियात लोग साला। गाइस डिम्पू बरुआ का तो बोल दिया विकास छेत्री को भी नहीं छोड़ा, और बहुत लोग हैं उनको भी रोस्ट किया बुरी तरह से। ये बंदा विकास छेत्री का वो है कार कलेक्शन इतना बड़ा है, नौकरी नहीं है क्या नहीं है, फिर भी कार कलेक्शन कितना है, कहाँ से आता है, ये सब बोल दिया। भाई उनका है, उनका प्रॉपर्टी है, वो कहीं से भी लाए तो इसका क्या जाता है भाई, ये बोलने वाला कौन होता है?
कुछ भी बोल देता है, मतलब इसको तो लोगों ने कमेंट में क्या क्या गाली दिया, खुद ही देखिए कमेंट। तो गाइस मैं कमेंट तो पढ़ के सुना नहीं पाऊंगा क्योंकि इतना गंदा गंदा गाली दिया है ना, क्या बोले, कुछ शब्द ही नहीं है मतलब बोलने की। तो गाइस देख सकते हो कोई भी नहीं बोला कि अच्छा लगा ये वीडियो। यही नहीं अभी और सुनिए। तो गाइस और भी बोला है कि डिंपू बोरुआ बर्थडे में कटहल काटा है, मतलब कि जैकफ्रूट, तो खुद को अलग दिखाने की कोशिश करता है, ये करता है वो करता है, मतलब तो क्या करे भाई। लोगों के आप ही सोचिए, तो हम लोग जैसे कि लोगों की तो पैसे नहीं है तो क्या करें, बर्थडे में केक भी नहीं मिलता है, मतलब दुकान भी बहुत दूर में है और केक वेक तो नहीं मिलता है, पैसा भी नहीं है, तो वो लोग क्या करेगा, वो लोग कटहल ना नहीं कटेगा तो क्या करेगा। उसके पास है फिर भी कुछ अलग दिखाने की कोशिश किया है, जो लोग गरीब लोग है वो लोग केक नहीं ला सकते तो कटहल भी काट सकते हैं। तो गाइस आज मेरा बर्थडे है, आज 14 अगस्त है, तो मेरा भी बर्थडे है, तो मैं बिस्किट लाया है, केक नहीं है मतलब दुकान में, तो ये बिस्किट लाया है। तो ये हरामी लोग क्या क्या बोलते थे यार, मेरे को बर्थडे अकेले ही मनाना पड़ रहा है। देखो ये हैप्पी बर्थडे टू मी, कोई नहीं है मेरे साथ, मतलब मैं अकेला हूँ अभी, तो क्या करें, मैं डिंपू बुरुआ का सपोर्ट में हूँ, जो भी बोले कुछ भी बोले मैं डिंपू बुरुआ का सपोर्ट में हूँ और करता रहूँगा। बात सुनो, रियलिस्टिक खुद को कहलाते हो ना, तो डिंपू बुरुआ का कुछ नहीं जाएगा, आप जितना बोलते रहोगे बोलते रहो, वो काम पे काम करता रहेगा, हम वीडियो देखते रहेंगे और शेयर करता रहेंगे, तेरा वीडियो कौन देखेगा बे, तू खुद को संभाल नहीं पाता है, दूसरों को क्या संभालेगा साला, खुद को तो लोगों ने पागल सागल बोल दिया है, क्या क्या बोल दिया है, बहुत गंदा गंदा गाली भी दिया है, फिर भी शर्म नहीं है इसका। असम को इतना चाहता है ना, तो कुछ अलग करो, असम में क्या हो रहा है क्या नहीं, तो वो सब करो ना, तो रोस्ट वीडियो बनाने का मतलब क्या है, क्या क्या बोलना चाहता है इस वीडियो में, ये रोस्ट करके खुद को क्या साबित करना चाहता है। अभी तो तेरा 18,000 सब्सक्राइबर हुआ है और 1 मिलियन होना तो बाकी है, 1 मिलियन होने से तो क्या होगा भाई, इसका एटीट्यूड तो भाई क्या मानो, इतना लंबा हो जाएगा एटीट्यूड साला। तो गाइस इनको सपोर्ट करोगे या किसी और को, तो गाइस आप ही सोचिए, आप ही बताइए। तो गाइस हम ब्लॉग वीडियो बनाते हैं पर इसके वजह से रोस्ट करना पड़ रहा है, हमें ब्लॉगिंग भी करना नहीं आता है, रोस्टिंग भी करना नहीं आता है, पर गुस्से में आज रोस्ट वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो क्या करे साला, ये कमीना खुद को बहुत ही स्मरखन समझता है, बहुत बड़ा यूट्यूबर चैलेंज लिया है वो भी किससे साला। तो गाइस कैसा लगा आज के वीडियो, लाइक कीजिए कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक मारिए। और तो गाइस आज के लिए इतना ही था, जय हिंद जय असम, तो बाय।